Good morning everyone, I am Miss Angel from Kingston Academy. Today I am going to teach you all English. And in English we are going to see a new poem. The name of our poem is A String Song. So let's start. Our first child says, I went to the market, do you know what I brought? डियर किड्स, ये पोएम में कैसा है, एक एक बच्चा मार्केट जाता है एंड बोलता है कि मैंने ये चीज़ लाया एंड उसके पीछे पीछे जो भी बचा हुआ बच्चे लोग हैं उन लोग भी एडप्ट करते हैं. सो सी फर्स्ट चाइल्ड ने क्या लाया था उसके हाथ में. द फर्स्ट चाइल्ड ब्रॉड सम रेड शाइनी एप्पल्स दैट वॉट आई गॉट. उसने क्या बोला, मैंने क्या लाया, एक रेड शाइनी एप्पल्स लाया है. तो जैसे ये बोल रहा था तब तक नेक्स्ट चाइल्ड भी आ गया. So he also continued the same thing but he added one thing extra. Let's see. The second child adds something. I went to the market. Do you know what I brought? वो क्या बोल रहा है सेकेंड चाइल्ड, वो भी वही बोल रहा है कि मैंने मार्केट गया था, तुमको मालूम है मैंने क्या लाया. Some red shiny apples, a big loaf of bread, that's what I got. उसने क्या लाया है, shiny apple, एक बड़ा ब्रेड. पहले लड़का ने क्या लाया था, उसने सिर्फ रेड एप्पल्स, लेकिन इसने क्या किया, एप्पल्स और उसके साथ क्या ऐड किया है, एक ब्रेड ऐड किया है. अभी हम देखेंगे कि थर्ड चाइल्ड ने क्या बोला. द थर्ड चाइल्ड एड्स वन मोर थिंग. आई वेंट टू द मार्केट, डू यू नो व्हाट आई ब्रॉट. वो क्या बोल रहा है, मैं मार्केट गया था, तुमको मालूम है मैंने क्या लाया. वो भी क्या करेगा, अभी पहले जैसे वो दोनों बोलेगा एप्पल्स एंड ब्रेड, उसके साथ और एक ऐड करता है. सो लेट्स सी वो क्या ऐड करता है. सम रेड शाइनी एप्पल्स, अ बिग लोफ ऑफ ब्रेड, अ पैक ऑफ कलर पेंसिल्स, दैट्स व्हाट आई गॉट. वो क्या क्या लाया है, रेड शाइनी एप्पल्स, अ बिग लोफ ऑफ ब्रेड और रेड और अ पैकेट ऑफ कलर पेंसिल. ये देखो ये इमेज, कैन यू सी द इमेज, एप्पल कलर पेंसिल एंड अ ब्रेड. थर्ड चाइल्ड ने क्या लाया, एप्पल कलर पेंसिल एंड द ब्रेड. नाउ लेट्स सी द फोर्थ चाइल्ड. इन दिस वे एवरी चाइल्ड रिपीट्स इन द करेक्ट ऑर्डर व्हाट अदर्स हैव सेड एंड ऐड समथिंग न्यू ऑन हिज अर ओन. द गेम कंटिन्यूज अप टू द लास्ट चाइल्ड. तो क्या होता है, जैसे अभी थर्ड चाइल्ड ने बोला वैसे फोर्थ चाइल्ड आके बोलता है, उसके बाद फिफ्थ चाइल्ड आके बोलता है, ऐसे वो गेम कंटिन्यू होता रहता है. और जो पहला ने बोला वो दूसरा बोलते हो पहले का भी ऐड करके बोलता है, और जो तीसरा आएगा वो दूसरे का भी ऐड करके बोलेगा, और जो फोर्थ आएगा वो थर्ड का भी ऐड करके बोलेगा. सो तुमको समझाना कैसे बोलते हैं, ये गेम के तरह उन लोग कंटिन्यू की है. तो अभी हम क्या करेंगे, और भी एग्जाम्पल्स डाल के हम ये कर सकते हैं. तो मैं आपको थोड़ा बहुत एग्जांपल्स दिखाती हूँ जो जो हम उसके नेक्स्ट बोल सकते हैं. ओके, यू मे यूज़ एग्जांपल्स गिवन योर और यूज़ योर ओन आइडियाज़. मैं आपको थोड़ा बहुत एग्जांपल्स देती हूँ, अगर तुम्हारे पास ओन आइडिया है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो. ओके, सो जो जो टेक्स्ट बुक्स में दिया है, जो थिंग्स यूज़ किया है उन लोग ने, वो सब मैं अभी रीड करती हूँ वन बाय वन. आई विल शो यू द इमेज एंड आई विल रीड इट सो अंडरस्टैंड. सी फर्स्ट वन इज़ गरम फ्लोर, जो आटा है वो कौन बोलता है, फोर्थ चाइल्ड. और फिफ्थ चाइल्ड क्या बोलता है, द लिक्विड सोप. एंड सिक्स्थ चाइल्ड क्या बोलता है, जूसी मैंगोस. सेवेंथ चाइल्ड क्या बोलता है, ब्लू बैंगल्स. एट चाइल्ड क्या बोलता है, हनी, हनी उसने लेकर आया. नाइन्थ चाइल्ड क्या बोलता है, अ बंच ऑफ बनानास. वो क्या लाया, एक बड़ा बंच ऑफ बनानास लाया है. और फिर टेंथ चाइल्ड क्या बोलता है, अ स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर्स. सुकेट्स, इसमें से हमको क्या सीखने मिलता है, जो अपन फूल बनाते रहे द फ्लावर्स, उसमें जो धागे में एक एक फ्लावर डाल के पूरा धागा बनता है, वैसे इन लोग ने क्या किया, एक एक स्टूडेंट बोल बोल के एक पूरा गेम इन लोग ने खेला है. सुकेट्स, आई होप कि तुमको समझा होगा ये पोएम. ये पोएम नहीं बोल सकते, इसको एक गेम के तरह उन लोग ने खेला है. सुकेट्स, तुम चाहिए तो तुम तुम्हारे घर पर भी ऐसे खेल सकते हो. ओके, सो यू हैव टू रीड द पोएम वंस एंड राइट द नोट्स विच आई हैव गिवन यू. मैंने आपको नोट्स सेंड किए तो वो सब कॉपी करना है आपके बुक में. सो किड्स बाय, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी समथिंग न्यू. बाय, सी यू सून.